राजकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 75 वर्षीय वृद्धा चालती ट्रेन में चढ़वा जता पड़ी जवानो मामलो सामे आव्यो छे। राजकोटना रेलवे स्टेशन खाते चालती ट्रेन मांथी चढ़वा जता पड़ी जवानो मामलो सामे आव्यो छे। आरपीएफ पीआई अमरज्योत चेतियाए आरपीएफ जवान प्रियांशी दुबे की सराहनीय कामगिरी बिरदावी हती। आरपीएफ जवान प्रियांशी दुबे समग्र घटनानो चितार जणाव्यो हतो। प्रियांशी जी, क्या कहेंगे आज एक सीनियर सिटीजन की जान आपने बचाई है, क्या पूरी घटना थी और किस तरह से बचाई है? जी सर, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अपनी ड्यूटी कर रही थी। मैं राजकोट स्टेशन पे तैनात हूँ सर। उसी दौरान मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे सवारी गाड़ी संख्या 16333 पर एक जब वो वहाँ से गुजर रही थी, 10:25 वो वहाँ आई और उसका जाने का टाइम हुआ। उसी दौरान गाड़ी स्पीड पकड़ी। उसी दौरान वो बुजुर्ग व्यक्ति जो जिनकी उम्र करीबन 75 साल होगी, वो चलती गाड़ी में चढ़ने लगे। मैंने उनको रोका भी पर वो नहीं माने और तेज़ स्पीड होने के कारण वो उससे गिरे और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंस गए। उनके पीछे मैं तुरंत दौड़ी उनको बचाने के लिए। जैसे जैसे मैं दौड़ी और अपने हाथ से उनके लेफ्ट पैर को बाहर किया खींचकर, फिर दूसरे पैर से उनको बाहर किया, दूसरे पैर को बाहर किया, फिर वो बाहर निकल आ पाए, वरना उनकी जान चली जाती। इस तरह मैंने उनकी जान बचाई। जिसमें प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मेरी ड्यूटी थी, समय करीबन 10:15 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सवारी गाड़ी संख्या 16333 वहाँ से निकल आने वाले और जाने वाले। 10:20 पर उसको वहाँ आना। उसी दौरान सर क्या हुआ, मैं अपनी ड्यूटी पर वहीं तैनात थी प्लेटफॉर्म नंबर 3 के ऊपर। अचानक मैंने देखा कि गाड़ी आती है और जब जाती है उस दौरान आरपीएफ स्टाफ वहाँ खड़ा होता है और जो भी पैसेंजर है उनकी सुरक्षा करना, उनसे पीछे भागी गाड़ी काफ़ी देर तक उनको खींचते हुए दिखी गई और मैंने उनके जो लेफ्ट पैर था उससे अपने हाथ से उनका लेफ्ट पैर बाहर किया, फिर उसके सहारे वो दूसरे पैर को बाहर निकल गया। हाँ सर, क्या कहेंगे आपके जो महिला पुलिस महिला आरपीएफ के जो जवान है, उसने एक सीनियर सिटीजन की जान बचाई है, क्या कहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं जो मेरी महिला कांस्टेबल है प्रियांशी दुबे को बहुत धन्यवाद देता हूँ, ताकि ऐसे एक बुजुर्ग हमारे नागरिक है जो यात्री है उसकी जान बचाई है। तो मैं ऐसे ही हमेशा मेरे जवानों को निर्देश देते हैं कि पैसेंजर हमारे कस्टमर होते हैं, जिसके कारण हम लोग को जो उसका फेयर है उसका भाड़ा है उसी पैसा से हम लोग को एम्प्लॉइज दिया जाता है, ये एम्प्लॉइज को पेमेंट दिया जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा निर्देश देते हैं कि जवानों को, ताकि ये प्लेटफॉर्म ड्यूटी पे तैनात रहते हैं तो उस समय पैसेंजर की अच्छी तरीके से बर्ताव कीजिए, उसका जान माल की सुरक्षा कीजिए, और इस तरीके से कोई चलती गाड़ी से उतरने के या चढ़ने के दौरान ऐसे अचानक गिरने वाले यात्री को जान बचाने के लिए मैं बार बार इनको माउंटिंग डिसमाउंट के निर्देश देते हैं। इसी का नतीजा आज कल ये पीएनसीडीबी के दौरान ये दिखाया गया है।